सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाने लई प्रेस करो बेल आइकन। कल किसान जथेबंदियां दे सदे ते भारत बंद है। किसानां वल्लों कीते भारत बंद दा हर सियासी पार्टी समर्थन कर रही है। अकाली दल, कांग्रेस, इत्थों तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिता है कि आम आदमी पार्टी भी इस सदे दी पूरी तरह दे नाल हमायत करेगी। अज दिल्ली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दौरान पंजाब कांग्रेस दे बुलारे सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानां दे नाल है ते उहनां दे हक दे विच कल पंजाब दे हर जिले च धरने प्रदर्शन कीते जाणगे। इस दे नाल ही केंद्र सरकार ते तंज कसदिया कहा कि जिवें पहाड़े दे सैनिकां नाल देश दी रक्षा नहीं हो सकदी, उसे तरह पहाड़े दे किसानां नाल पूरे देश दा ढिड नहीं भरिया जा सकदा। इस लई केंद्र सरकार नूं किसानां दे लई काले कानून रद्द कर देने चाहीदे ने। जब किसान ने देश बंद का आह्वान किया है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसकी कान खोली जा सकें। लाइक माइंडेड पार्टीज का अपोजिशन की देश भर में जो कल 8 तारीख के भारत बंद में पूरा सहयोग कर रही हैं और वहीं पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करूंगा कि डट के कल के इस भारत बंद में किसान संगठनों का सहयोग दें और पंजाब में कांग्रेस पार्टी हर जिला स्तर पे किसानों के हक में धरना प्रदर्शन करेगी। वो किसान है जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। देश की नेशनल सिक्योरिटी का अभिन्न अंग है हमारा खाद्यान्न सिक्योरिटी। आर फूड सिक्योरिटी इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर नेशनल सिक्योरिटी। नाइदर द नेशनल सिक्योरिटी कैन बी आउटसोर्स्ड नॉर द फूड सिक्योरिटी कैन बी आउटसोर्स। ना तो भाड़े के या ठेके के सैनिक देश की सुरक्षा कर सकते हैं और ना ही भाड़े के किसान देश का पेट भर सकते हैं। मेरी यही बेनती होगी माननीय प्रधानमंत्री से कि इस मुद्दे को फौरी तौर से निपटाया जाए। बठिंडा तो ब्यूरो चीफ जसवीर औलख की रिपोर्ट NC7 न्यूज।